कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश में बे चूंटणी रेलीओ संबोधी राज्य की शिवराज सरकार और केन्द्र की मोदी सरकार ने आड़े हाथ लीधी। खड़गे आरोप लगवा कि मोदी हाथ में पेट्रोल राखे अमित शाह माचिस राखे लोग ने बर्बाद करने काम बन्ने कर। कांग्रेसना राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मध्यप्रदेशना ग्वालियर बाद भोपाल में जनसभा ने संबोधित करी। तेमणे राज्यना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर निशान साधता कह्युं कि एक व्यक्ति कहे छे कि हूँ शिवराज छू, एवं होय तो मारू नाम मल्लिकार्जुन छे, हूँ पण परमेश्वर शंकर नो अवतार छू। जो सभी लोग मानते हैं वो केदारनाथ जो हमारे राहुल जी गए थे वो शिवराज को सभी लोग मानते हैं, ना कि शिवराज चव्हाण को। अपने आप को भी ये लोग अगर भगवान समझते गए तो देश का क्या होगा। एक व्यक्ति अपने आप को कह रहा है कि मैं शिवराज हूं, ऐसा तो फिर मेरा नाम भी मल्लिकार्जुन है, मैं भी परमेश्वर का अवतार हूं, शंकर का अवतार हूँ, तो ये कहने की बात नहीं है। खड़गे शिवराज सिंह अने पीएम मोदी पर कटाक्ष करता कहू के बन्ने वच्चे कॉम्पिटिशन चाली रही छे के वधु पछात कौन छे। चव्हाण साहब, मैं गरीब हूँ, बैकवर्ड हूँ, बोलते नहीं। किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा है उन्हों बोलते हैं। मोदी साहब, मैं चाय वाले का बेटा बोलते हैं। फिर ये चाय वाले और किसान का बेटा सुधार रही क्यों नहीं? उन्होंने तो कहा था कि हम किसानों का आमदनी दोपट करेंगे, डबल करेंगे, फिर किसान का बेटा क्यों नहीं चुप बैठा? किसान का बेटा भी चुप बैठा, जो मजदूर का बेटा, जो चाय बनाने वाले लोग नेता, उन्हों भी चुप बैठे। मल्लिकार्जुन ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह क्यारे पण शांति नी बात करता नथी, तेओ हमेशा लोगों ने भड़कावानु काम करे छे। जहां देखो वहां झगड़ा लगाने का, कहीं अगर शांति है, पीस है, वहां अंगार कैसा लगाना वो जानते हैं। वो हमेशा क्या बोलते हो काड़ी की पेटी को, मैचिस अंग्रेजी बोले तो ये दिया सलाई, काड़ी की पेटी जेब में ही रखते हैं। और उन्होंने एक हमेशा पेट्रोल हाथ में रखते हैं, मोदी साहब शाह साहब काड़ी की पेटी रखते हैं, तो बस लगा दो बोलो। और कहीं भी कभी उन्होंने शांति की बात नहीं की। खड़गे आरोप लगाव्यो कि पीएम नौकरी ना पत्रों वेचे छे, 30 लाख नौकरियो आ देश में खाली छे, परंतु मोदी सरकार भर्ती करती नथी, तेओ 10,000 लोगों ने नौकरी आपीने इवेंट योजे छे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।